जी आपको मेडल सौंपे गए हैं, अब किस तरह आप उनकी हिफाजत करेंगे और क्या आपकी बात हुई? तो बता, हिफाजत हमारी बेटियां हैं, मान सम्मान की बात है, उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे जिस तरह का, परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत निबर्दाश्त करने का से? पूरे भारत में रोष है आज, जिस तरह से खींच खींच के वहां से वो उठो, एक आदमी को बचाने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई, क्या होगा इस आगे की कार्य योजना? क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? देखो भी होगी बातचीत, बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी, नहीं सब बैठक तो होगी और शाम चुप थोड़ा ही बैठेंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर होगी। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आपने एक बात की है, बेटियों का संग नहीं झुकने देंगे। नहीं, ऐसा सर क्यों झुकन देंगे? उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा गर्व तो ऊंचा कर रखा। कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धुलने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर। वो तो आप लोग देख सको क्यों बैठी हुए धरने पर, मतलब एक शांति के तरीके से, शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीतरी होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पर अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? कोई आश्वासन ऐसा, हमारी बेटियाँ है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है, उनका सर हम झुकने देंगे, और जहाँ तक भी लड़ाई होगी चाहे हम अपने साक्षी ने, विनेश ने, बजरंग जी, 6:30 बजे तक सब आ गए थे, 7 इतनी देर तक अब ये लोग यहाँ पर बैठे थे, रो रहे थे, परेशान थे, क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 ही घंटे पहले पता लगा, हम तो खेत में थे, चोर साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा, या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम ना उठ जा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है, इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। जी, तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखो ये सुलाम असबर होगी, क्योंकि इन लोगों ने ये भी तो कहा था कि इंडिया गेट पे अमर अनशन करेंगे ये लोग। भाई एक तो बताओ, हमें जिम्मेदार, अनशन की भावना होगी तो अनशन कराया जाएगा सम्मानित, ये तो हम ही जिम्मेदार से है, यहाँ से जो बुजुर्ग है, नहीं कोई नहीं। बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, बुजुर्गों की राय क्या है इस वक्त? भाई हमने तो यहाँ से उठाए बच्चे आते हैं, वहाँ देखेंगे। हमारी राय यह है, इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है, अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहु बेटी है, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करें, इसमें कुछ ना कुछ निर्णय साहब लेंगे समाज के द्वारा। कल आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी फोरम में।